तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही ब्लॉग में। तो अगर चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ फिर से निधि की दुनिया की, नहीं नहीं झूठी की दुनिया की, नहीं नहीं ओवर एक्टिंग की दुनिया की। इतने नाम है निधि के कि उसको किसी नाम से बोल लो लोग पहचान लेते हैं कि इसी के ऊपर वीडियो बनाई गई है, क्योंकि उसने झूठ बोलने में ना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने झूठ बोलती है, इतना फेंकती है कि लोगों का लपेटना मुश्किल हो गया है। तो निधि की दुनिया, आई मीन झूठी की दुनिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, निधि की दुनिया का गेम ओवर हो चुका है। जो बोलती है ना कि मेरी एंगेजमेंट, मेरी शादी, तो ना तो उसकी एंगेजमेंट है ना उसकी शादी है। हाँ, उसे एंगेजमेंट में जाना ज़रूर है। वो एंगेजमेंट है अंकुर की, मतलब कि निधि के छोटे भाई की। अंकुर की सगाई है, उस सगाई में इनको जाना है। उसी के लिए ये विवान क्या है विवान की शेरवानी ढूंढ रहे थे। ये तो बात हो गई इसकी झूठी की दुनिया की शादी की। शादी करना, लाइफ में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम ये देखो निधि, मैं पर्सनली वीडियो निधि के लिए बना रही हूँ। निधि ये पता है मेरे, अगर मैं तुम्हारा चैनल का नाम डालती हूँ वीडियो तुम्हारे तक पहुँचती भी होगी। तुम खुद सोचो यार, तुम मतलब किस तरफ जा रही हो। तुम कमेंट सेक्शन खोलती हो अपने, उसमें कितनी सारी तुम लोग कमेंट लिखे रहते हैं। क्यों लिखे रहते हैं? तुम्हारी गलती की वजह से। तुम इस हद तक गिर चुकी हो ना कि सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। तुम एक झूठ चलता है, दो झूठ चलता है, तीन झूठ चलते हैं, पर तुम्हारा तो पूरा चैनल ही झूठ पर खड़ा है। एक तरफ झूठ और एक तरफ गंदगी। तुम खुद देखो, अगर तुम अच्छे से नहाओ धोओ, वीडियो बनाओ डेली रूटीन की बनाओ, अच्छे से अपनी मम्मी का ध्यान रखो, बेटे का ध्यान रखो, तो कोई भी तुम्हें निगेटिव क्यों करेगा? लोग, इन लोगों ने तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और तुम्हें ऐसे ही थोड़ा ना पहुँचाया है यहाँ तक, लेकिन तुम इस चीज़ की कदर ही नहीं कर रही हो। रोज़ की रोज़ लोगों को बेवकूफ़ समझ के रखा है कि इनको बेवकूफ़ बनाओ और व्यूज पाओ। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम करके बैठी हो। कहती है तो मेरा वजन गेन हो रहा है, मेरा वजन गेन हो रहा है। देखो, वजन गेन होना और कम होना इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। कुछ लेडीज़ का वजन गेन हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। मैटर करता है तुम कर क्या रही हो। आप तुम खुद देखो, पूरा दिन बाहर का खाती हो, पूरा दिन मोमो, चाउमीन, नूडल्स, बिस्किट, चॉकलेट, बस आइसक्रीम, इन पर ही निर्भर है वो। और बाकी अगर कभी खाना बनाया घर तो क्या, नमकीन चावल। मतलब किस तरह से तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, उसके बावजूद भी तुम अपने घर का हाल देखो कैसा हो रहा है। किस गैस पे तुम खाना बनाती हो, उस गैस की शक्ल देखो, कोई उसे देखकर खाना भी ना खाए। अपने घर की शक्ल देखो तुम कैसी हो रही है। इतना बड़ा घर नहीं है तुम्हारा, उस घर को साफ सुथरा नहीं रख सकती। उस शहर में रहती हो तुम, हम जैसे लोग गाँव में रहते हैं, और तुम हमारे हाथ पैर देखो कहीं से फट रहे हैं, कहीं से काले हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। अपने पैरों की शक्ल देखते रहते हो, लोग मेरे पैरों को जाते हैं। यार देखो ना अपने पैरों की शक्ल, तुम एक शहर में रहती हो लड़की औरत हो, अपने पैर देखो तुम्हारे कैसे हो रहे हैं। जैसे सड़कों पर घूमते रहती हैं बिना चप्पल पहने ना, उनके जाते हैं बेचारों की, उनकी तो मजबूरी है, उनके पास चप्पल जूते नहीं होते। तुम्हारे पास चप्पल जूते सब होने के बावजूद अपने पैरों की शक्ल देखो। अपनी मम्मी को देखो तुम, वही मतलब उस औरत के लिए ना मैं क्या कहूँ, वो ऐसी नहीं थी। पहले तो इनके पापा ने ड्रिंक पी पी के उस हालत ऐसी बना दी। उसके बाद एक तो पति बेकार मिला, ऊपर से औलाद बेकार मिल गई। नहीं तो निधि की जो मम्मी है ना, वो निधि से भी ज़्यादा माइंडेड पढ़ी लिखी लेडीज हैं। लेकिन आज उनकी शक्ल कैसी है, ऐसा लगता है ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच है। इस सड़क पर वो मांगने वाली फिरती रहती है ना, उस कंडीशन में पहुँच गई हैं इनकी मम्मी, सिर्फ अपने पति की और अपनी औलाद की वजह से। नहीं तो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लेडीज थी वो। इन तीन तीन को पाल के, तीन बहन भाई हैं, इनको पाल के इनको इस लायक बनाया, ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। पर आज सूरत की कंडीशन ऐसी हो रही है
कि देखते हुए भी तरस आता है कि क्या मतलब क्या से क्या हो गई बेचारी वो। पहले तो पापा ने कदर नहीं की, पापा ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करनी, घर में ड्रामे करने, लड़ाई झगड़ा करना, अब बच्चे ऐसे हो गए। सच में उस औरत की जिंदगी, उस औरत को देख कर तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रही हो यार। अच्छे से रहो, अपना घर देखो, अपना घर चलाओ, अपने बच्चों को देखो। मैं ये मैं तुम्हारे को दुश्मन नहीं है, पर अपना कुछ घर की प्रति जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं ना वो निभाओ। रही शादी की बात, तो शादी भी अगर तुम्हारे नसीब में लिखी है तो हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं कि शादी नहीं हुई तो औरत की कुछ ज़िंदगी नहीं है। लोगों के लिए मिसाल बनो कि एक विधवा ने कैसे एक बच्चे को पाल पोस के इतना अच्छे ढंग से रहती है, इतने अच्छे ढंग से घर को साफ सुथरा रखती हूँ, कैसे बच्चों को पालते। लोग तुम्हें फॉलो करें, लोग तुम्हें जाने की ये निधि है, पर निधि को जानते तो हैं, पर झूठी की दुनिया, ओवर एक्टिंग की दुनिया, बनावटी की दुनिया के नाम से अपने बच्चे की देखो क्या कंडीशन करी हुई है। अगर वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो तुम फ्राइडे को ड्रेस भी उतारती हो अपने बच्चे की कि रहने दो उसको, घूमने दो ऐसे ही, लेकिन ये पता सुबह सब कितने जर्म्स, कितने उसमें धूल मट्टी जम जाती होगी उस ड्रेस से, पसीने, लेकिन तुमने उसकी ड्रेस नहीं उतारती हो, बस वही पहन के घूमता रहता है वो बेचारा। अभी तुम उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने बोलता कि इसके दांतों में कैविटीज हो गई है, उसके बाद उसको डेली आइसक्रीम खिलानी। अब तुम सोचो तुम क्या कर रही हो।